हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग। और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में आपके लिए रेडी करने वाला हूं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा ब्रेड से बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो और यहां पर जो शाही टुकड़ा है, मैंने डीप फ्राई नहीं किया उसको, तो आप उसको ऑयल फ्री भी कह सकते हैं। और बहुत ही कम ऑयल में मैंने रेडी किया है और बहुत ही हेल्दी रेडी किया है। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिए हैं, ये वाइट ब्रेड हैं। तो आप ब्रेड की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं चीनी यूज कर रहा हूँ, तो मैंने लगभग एक कटोरी चीनी ली है, ये 250 ग्राम चीनी है। कुछ पिस्ता लिए हैं, ये हरा पिस्ता है, और इलायची ली है, और आधा लीटर मिल्क लिया है। तो मिल्क की हम रबड़ी रेडी करने वाले हैं, क्योंकि शाही टुकड़े पर जो रबड़ी डालते हैं ऊपर से, उसका स्वाद बिल्कुल क्लासिक आता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए शाही टुकड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही कम टाइम में रेडी करने वाला हूं शाही टुकड़ा, तो इसीलिए मैं चाशनी और जो अपनी मलाई है, दोनों को एक साथ रेडी करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने एक बर्तन लिया हुआ है जिसमें मैं चाशनी बनाने वाला हूं। तो अपनी जो चीनी है, मैं इसमें चीनी डालने वाला हूं, और जितनी मैंने चीनी ली है तो उसकी हाफ मैं इसमें पानी ऐड करूंगा। तो मैंने चाशनी को बनने रख दिया है, तो चाशनी को बीच बीच में इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। और चाशनी जब बनके रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि चाशनी को कैसे रेडी करना है। और हमें दो तार की चाशनी बनानी है, तो दो तार की चाशनी किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चाशनी को बनने देते हैं और अपनी मलाई रेडी कर लेते हैं। तो मलाई रेडी करने के लिए मैंने एक पैन यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे और चाशनी को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारे दूध में बहुत ही जल्दी उबाल आ गया है, तो लगभग 30 सेकंड में हमारे दूध में उबाल आ गया है और हमारी चाशनी में भी उबाल आ गया है। तो मैं जल्दी से रेडी कर लेता हूँ इनको। तो फ्रेंड्स, हमारी मलाई रेडी हो गई है। तो चलिए मैं गैस को बंद कर देता हूँ, और मलाई को बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है। जिस तरीके से हम रबड़ी रेडी करते हैं उसी तरीके से मैंने इसको रेडी किया है, तो बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है इसको, वरना ये ठंडा होने के बाद बहुत ही गाढ़ा हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे से एक मिस्टेक हुई है। तो मैं कुछ भी अपने जो भी लोग मुझे देखते हैं कुछ पाता नहीं हूँ, जो मुझे जानते हैं मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाशनी पहले रेडी होनी थी और हमारी मलाई पहले रेडी हो गई, तो मेरे से एक बिग मिस्टेक हुई है कि मैंने चाशनी में जो मैं पानी डाल रहा था, तो मेरा ध्यान कैमरे की तरफ था और पानी थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया है। चलिए डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में हमारी चाशनी भी रेडी हो जाएगी। तो अपनी मलाई को हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब अपनी चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है, आप देख रहे हैं, बस एक से दो मिनट में ये बनने वाली है। तो अब क्या करना है, जो मैंने इलायची ली थी, तो इलायची को मैंने सिर्फ तोड़ा है,
इसका मैंने पाउडर नहीं रेडी नहीं किया, आप चाहें तो पाउडर रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही डालने वाला हूँ। तो चाशनी में इलायची डालने से हमारा जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपके पास केसर है तो आप केसर डाल सकते हैं। तो एक बार चाशनी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी रेडी नहीं है हमारी चाशनी, थोड़ी और पका लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमारी चाशनी रेडी हो गई है। तो कैसे चेक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसमें तार बन रहा है। तो जब एक तार बनता है तो उसको एक तार की चाशनी बोलते हैं, जब दो तार बनते हैं तो उसको दो तार की चाशनी बोलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे तो दो तार बन रहे हैं क्लियर। तो हमारी चाशनी रेडी हो गई है, मैं गैस को बंद कर देता हूँ और अपनी जो ब्रेड है तो ब्रेड रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब अपनी ब्रेड रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड रेडी करने के लिए जो मैंने ब्रेड लिया है इसको चार चार करके मैंने रख लिया है और इस तरीके से हम इसको बीच से काटेंगे। तो ज़्यादा ब्रेड एक बार में ना काटें, काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इस तरीके से ब्रेड के हम दो पार्ट में काट लेंगे इसको। तो आप चाहे तो साइड भी निकाल सकते हैं, और साइड नहीं भी निकाली है क्योंकि साइड भी बहुत अच्छी लगती है, क्रंची लगती है। तो चलिए मैं ब्रेड को काट लेता हूँ। और अब अपना जो मैंने पिस्ता लिया है, तो ये मैंने हरा पिस्ता लिया है, तो इसको मैं बारीक कर लूँगा इस तरीके से। पिस्ता के हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ब्रेड को मैं डीप फ्राई नहीं करने वाला हूँ, मैंने एक फ्राई पैन लिया हुआ है। तो ब्रेड को मैं देसी घी में हल्का सा फ्राई करूँगा। तो मैं एक चम्मच देसी घी डालने वाला हूँ फ्राई पैन में। तो देसी घी को हल्का सा मेल्ट हो जाने देते हैं। तो हमारा देसी घी मेल्ट हो गया। तो अब इस तरीके से इसमें मैं एक साथ चार ब्रेड फ्राई करने वाला हूँ। तो तीन से चार ब्रेड आप फ्राई कर सकते हैं। और मैं डीप फ्राई नहीं कर रहा हूँ इनको, क्योंकि मुझे आपकी सेहत का बहुत ही ख्याल रहता है। तो आप भी डीप फ्राई मत कीजिए, स्वाद में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से आप फ्राई कीजिए और बहुत ही अच्छा स्वाद बनेगा। बस ध्यान रखना है कि ब्रेड को क्रंची करना है। तो ब्रेड को क्रंची हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गैस के फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है और इस दो से तीन मिनट में जो हमारा ब्रेड है वो क्रंची हो जाएगा। तो जब एक तरफ से थोड़ा सा हमारा ब्रेड पक जाएगा, करारा सा हो जाएगा, तो इसको हम पलट लेंगे। तो आप देख रहे हैं ब्रेड हमारा ब्राउन होने लगा है, ये देखिए आप। तो ज़रूरी नहीं कि आप डीप फ्राई करें, विदाउट डीप फ्राई भी बहुत ही स्वादिष्ट हमारा शाही टुकड़ा रेडी होता है। तो हम इस तरफ से भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे तो जो हमारा ब्रेड है वो क्रंची हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारी ब्रेड क्रंची हो गई है बिल्कुल। तो अब क्या करना है, जो हमने चाशनी रेडी की थी तो ब्रेड को इसी तरीके से हम चाशनी में डालेंगे। और एक बार डाल के इसको हम इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे निकाल के। उससे हमारा ब्रेड ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अपना शाही टुकड़ा सर्व करते हैं। तो शाही टुकड़ा को सर्व करने के लिए तो मैंने जो मलाई रेडी की थी, मैंने जो पिस्ता बारीक काटे थे, और देखिए मैंने शाही टुकड़ा जो रेडी किया है। तो आप बताइए कहीं से लग रहा है मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया है। तो देखने में बिल्कुल डीप फ्राई जैसा ही बना है।
और स्वाद भी डीप फ्राई जैसा ही बनाए, तो आप इस तरीके से ट्राई करें और फिर कमेंट्स बॉक्स में आके बताएं। तो चलिए हम इसको सर्व करने से पहले क्या करना है, तो हमने जो मलाई ली थी, तो मलाई देखिए आप कितनी हमारी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरीके से हम मलाई को ऊपर से आप चाहें तो मलाई को और पतला बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से मलाई को हम अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इस पर जो हमने ये पिस्ता बारीक काटे हुए हैं, तो ऊपर से इस तरीके से हम पिस्ता डालेंगे। तो पिस्ता आप चाहें नहीं भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा साई टुकड़ा बनके रेडी हो गया है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।